दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज जो जॉब वैकेंसी निकल के आई है वो डीपी वर्ल्ड से आई है। डीपी वर्ल्ड का फुल फॉर्म है दुबई पोर्ट, जो 2005 से दुबई पोर्ट का जो वो हुआ। आपको बेसिकली अगर इसकी हिस्ट्री देखनी है, जाननी है, तो दुबई में अपना उसका खुद कुछ प्रोडक्ट, मतलब कोई भी चीज़, चाहे ग्रोसरी चाहे कोई भी चीज़ उगता नहीं है। आपको मालूम है यहाँ रेत ही रेत है, तो लगभग सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक कंट्री से होती हैं, लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड सारी कंट्रियों से इंपोर्ट होती हैं। और यहाँ ऐसे ग्रोसरी शॉप या मॉल्स आपको मिलेंगे जहाँ कंट्री वाइज आपको फूड मिलेगा। ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, हर चीज़, चाहे वो सी फूड हुआ, चाहे वो चिकन नॉन वेज हुआ, चाहे वेज हुआ, हर चीज़, वेजिटेबल तक आपको कंट्री वाइज अब मिलेगा कि ये इस कंट्री का है, ये इस कंट्री का है, ये इस कंट्री का है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है डीपी वर्ल्ड की, दुबई पोर्ट की। पोर्ट पे सारी चीज़ें आती हैं और वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इसमें जो जॉब वैकेंसी निकल के आई है उसमें डिफरेंट पोस्ट पे निकल के आई है। जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले पे सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कि डीपी वर्ल्ड कब से एग्जिस्ट करता है, क्या काम है उसका, और अक्रॉस कितनी कंट्रियों को कवर करता है, कितने पोर्ट्स आते हैं, कितने क्या हैं, तो सारा डिटेल्स मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है कि आप दुबई के जो सिटी है उससे कट जाते हैं, आप थोड़ा सा अलग रह के काम करते हैं, क्योंकि पोर्ट साइड में आप रहते हैं तो आपको शहर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। हाँ, सैलरी बहुत अच्छी है, आपको कंपनी हर चीज़ प्रोवाइड करेगी, टाइमली लीव देगी, टाइमली हर चीज़, मतलब एकदम परफेक्ट पंचुअल होता है। और यही चीज़ अगर आप एजेंट के चक्कर में फंसते हो तो एजेंट कोई मतलब नहीं है, वो मैन पावर के रूप में लोगों को देते हैं और उनसे मोटा पैसा लेते हैं और आपको उस पैसे का एक हिस्सा मिल पाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप खुद से अप्लाई करें, आपकी फ़िज़िकली फ़िट होने चाहिए, आप इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ा कम भी रहेगी तब भी चलेगा, लेकिन आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन के मामले में आप अच्छे होने चाहिए, मतलब 12th के ऊपर ही होने चाहिए आप। 12th के नीचे रहेंगे तो फिर वही एजेंट वाला काम हो जाएगा, मैन पावर सप्लाई वाला, तो उसके लिए अलग बात होती है। आप परफेक्ट रहें, फिज़िकली फ़िट हैं, हर चीज़ अगर है तो आप अप्लाई करें, इसके कैरियर पेज पे जाके अप्लाई करें। अगर आप इनसाइड हैं तो डीपी वर्ल्ड का बिजनेस बे में ऑफिस है, आप यहाँ पे आके अगर गूगल करेंगे डीपी वर्ल्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, तो आपको एड्रेस पूरा मिल जाएगा, पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके फिज़िकली अपनी CV ड्रॉप कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फिज़िकली। मैं अपने हर जॉब वैकेंसी वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि फिज़िकली आप CV विजिट करें, CV ड्रॉप करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि बंदा आपको फिज़िकली देखता है, आपकी रिज्यूम को थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है, और आप उसका इन्वायरमेंट भी देख सकते हैं। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका ऑफिस कैसा है, उसका जॉब इन्वायरमेंट कैसा है, वर्किंग आवर्स कैसा है, आप फिज़िकली सब कुछ देख सकते हैं, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है और कंपनी को भी आपका अंदाज़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं फिज़िकली CV ड्रॉप करने में। तो हमेशा प्रयास करें आप कि फिज़िकली, अगर ऐसा नहीं है कि आप अपने होम कंट्री से उसके कैरियर पेज पे अपना CV डालें उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी आपको नहीं जान रही है, उसने नहीं केयर किया होगा। आप फिर भी अगर इनसाइड आ रहे हैं तो फिर भी उसी कंपनी में जाके फिज़िकली CV ड्रॉप करें और उसको बताएं कि सर, मैं इतने दिन से आपकी कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ, मुझको आपकी कंपनी में जॉब करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, डिस्प्ले पे आपको दिखा होगा सारी चीज़ें। पढ़ना है तो पुश करके वीडियो पढ़ा करें, उसको बहुत अच्छे से नॉलेज करें और उसके कैरियर पेज पे जाके पहले उसकी सारी चीज़ें पढ़ें, फिर अपनी CV ड्रॉप करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।